हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद कुमार कहानी की सीरीज में आज आपके सामने दूसरा कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी है जूता कैसे आया। ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक राजा रहता था और उसके राज्य में उसकी प्रजा थी, बहुत ही खुश थी राजा से। राजा भी अच्छा था, प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि पूरे अपने देश को घूमने का उसके विचार आया, तो वो अपने सैनिकों के साथ में अपने राज्य को घूमने के लिए प्रस्थान किया। तो जब वो राज्य को अपने घूम रहा था, अपने देश को घूम रहा था, तो घूमते वक्त उसे रोड में बहुत सारे कंकड़ पत्थर दिख रहे थे। वो उसके पैरों में चुभे भी थे, चुभ भी रहे थे। तो जब वो घूम के शाम को लौट के आया अपने दरबार में, तो सभी मंत्रियों की बैठक बुलाया। बैठक बुला के उसने कहा कि हमारे राज्य में जितने भी सड़कें हैं उनपे लेदर बिछवा दो, लेदर यानी चमड़ा बिछवा दो जानवरों का। तो सभी मंत्री चौंके कि राजा साहब क्या कह रहे हैं, पर किसी भी मंत्री की कुछ हिम्मत नहीं हुई कि राजा का जो आदेश है तो आदेश है, अब वो कह दिए तो मानना तो पड़ेगा। तो उसी में से एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला कि राजा साहब, इससे तो मतलब कि ये आइडिया आपका ठीक है, इससे मतलब आपकी प्रॉब्लम समस्या तो सॉल्व हो जाएगी, पर मेरे पास इससे भी एक बेहतरीन आइडिया है। अगर आप उस आइडिया को सुनेंगे तो आप उसको उपयोग में भी लाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं उस आइडिया को आपको बताऊं। तो राजा ने सोचा कि अरे यार, आज तक किसी मंत्री ने मेरे बात को अस्वीकार नहीं किया और ये पहली बार है कि ये उठ के मेरे को कुछ नसीहत दे रहा है। फिर भी राजा ने कुछ उससे बोला नहीं और कहा चलो ठीक है, बताओ क्या कह रहे हो। तो मंत्री ने कहा कि मेरा ये सुझाव है कि आप महाराज, जो चमड़ा आप रोडों पे बिछाने की बात कर रहे हैं उसको आप अपने पैरों के लिए पैरों में लगवा लें, तो वो उससे जो हम राज्य में खर्च करेंगे, अपने देश में जो सड़कों पे चमड़ा को लगवाएंगे, लेदर लगवाएंगे, उससे बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, उसकी पैसे की भी बचत हो जाएगी और आपके समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि तो बहुत बढ़िया बात है। उसने उसी समय आदेश दिया जूता बनाने का कि पैरों के लिए जूता बनाया जाए। तो इस तरह से राजा के कहने पर ये जूता बना और यहीं ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, तो इस मुद्दे पे आते हैं। तो इससे ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करना चाहिए तो उपयोगी काम करना चाहिए, जिस जो उपयोग हो सके। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो अप्रायोगिक हो। अप्रायोगिक काम का मतलब ये है कि हम मान लीजिए कि हम किसी काम को कर नहीं पा रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, टाइम बीतता जा रहा है, तो उसके जगह पे हम दूसरा भी काम कर सकते हैं, या उस चीज को हम जो भी हमारे पास समस्या है उसको हम सॉल्व दूसरे आइडिया, दूसरे के आइडिया से भी कर सकते हैं, दूसरे से नसीहत भी ले सकते हैं। तो ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी हमेशा जो भी हमें काम करना चाहिए वो उपयोगी साबित हो सबके लिए और अपने लिए भी वही कार्य करना चाहिए। तो
इस कहानी यही समाप्त होता है। धन्यवाद।